अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल दामा हाफुजुर होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यूट्राइन ट्यूमर्स यानी कि यूट्राइन की फाइब्रोमा के बारे में, जिसे मायमा भी कहती है। तो मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी। तो जो ट्यूमर होती है इसकी संख्या मिनिमम 1 से लेकर 50 तक होती है, और इस ट्यूमर से यानी कि इस फाइब्रोमा से खून और पूज भी निकलती है। मैं देख लीजिए, यह जो एक जयर व्यवहार आप यहाँ पर देख लीजिए जो एक किस तरह के ट्यूमर है, और इसके साथ साथ उस फीमेल में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी रहती है। ये होने के जो कारण है, अगर फीमेल में उसकी अगर कोई बच्चा नहीं हुआ है उसे भी होता है, और जिस फीमेल में 1-2 बच्चा है उसको भी ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैं इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। अगर आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करेंगे आपकी यूट्राइन ट्यूमर्स के लिए यानी कि फाइब्रोमा के लिए, तो आपकी जो फाइब्रोमा की प्रॉब्लम है, ट्यूमर की जो यूट्राइन की प्रॉब्लम है, वो पूर्णता से ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैल्केरिया आयोड 3x। देख लीजिए, मैं यहाँ पर पिक्चर लग गया हूँ। इस कैल्केरिया आयोड 3x मेडिसिन को दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम के टाइम यूज करना होगा। 2 गोली चूसना होगा और चूसने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पीना होगा। और इसके लिए दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है ओरम म्यूर नेट्रेटम 3x। देख लीजिए, यहाँ पर एक पिक्चर लग गया हूँ। इस ओरम म्यूर नेट्रेटम 3x मेडिसिन को दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम के टाइम लेना होगा। 2 गोली चूसना होगा और उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी पीना होगा। और इसके लिए तीसरी और सबसे अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है थुजा 200। देख लीजिए, यहाँ पर एक पिक्चर लगता हूँ। इस थुजा 200 मेडिसिन को आपको सिर्फ एक बार सुबह के टाइम 2 बूंद अपने जुबान पे यानी कि आपके टंग में लेना होगा। तो इस तरह से अगर आप इस तीन मेडिसिन को आपकी यूट्राइन ट्यूमर्स के लिए यानी कि फाइब्रोमा के लिए यूज करेंगे, तो आपकी जो फाइब्रोमा की जो प्रॉब्लम है वो पूर्णतः से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो जरूर लाइक कीजिए, साथ साथ जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू।